अच्छा, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब इसको हम जल्दी से क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं फायरबेस होस्टिंग के ऊपर। डिप्लॉय करने के लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे चलानी पड़ेगी npm run build, क्योंकि अभी जो मैं ये चला रहा हूँ ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट मोड में चल रहा होता है। और एक और ज़रा बात हो जाए, फोल्डर का जो है ना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ मैं, कि फोल्डर का क्या सीन है इसमें, फोल्डर किस तरह से बने हुए और फोल्डर में कौन सी चीज़ क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो नॉट मॉड्यूल है। नॉट मॉड्यूल आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसमें तमाम की तमाम लाइब्रेरीज जो आप इंस्टॉल करते हैं वो आगे स्टोर होती है। पब्लिक का जो फोल्डर है इसके अंदर HTML की एक फ़ाइल पड़ी हुई होती है, ठीक है, और इसी HTML की फ़ाइल के साथ मेरा जो React की लाइब्रेरी है वो इसी के साथ अटैच हुई हुई है असल में, ठीक है, या कहीं ना कहीं मुझे नज़र भी आ रही होगी, नज़र नहीं आ रही है लेकिन एक्चुअली इसके साथ अटैच है। वेल, अब होता क्या है, अब होता ये है, अच्छा, और SRC है, SRC के अंदर ये index.jsx की फ़ाइल है, ठीक है। अब बज़ाहिर ना ये सारी की सारी फाइलें आपस में डिस्कनेक्टेड हैं। अच्छा, फिर उसके बाद package.json है, package.json में तमाम डिपेंडेंसीज मेरे पास लगी हुई हैं, और package.lock.json है जो कि पीयर डिपेंडेंसी को ज़रा संभाल के रखता है। अच्छा, git ignore में वो फाइलों का नाम रखता हूँ जो कि मैंने GitHub में नहीं भेजनी है, जैसे कि बिल्ड का फोल्डर, जैसे कि नॉट मॉड्यूल का फोल्डर, ये इन्होंने पहले से बना के दे दिया है मुझे। अब बज़ाहिर ये सारी फाइलें डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में क्या होता है, असल में जब मैं चलाता हूँ npm start, तो npm start के अगेंस्ट मेरे पास जो चलती है ना React scripts, ये React scripts जो चलती है, ये React script करती क्या है, React script के अंदर एक टूल लगा हुआ होता है webpack, जिसका इसने आर्टिकल में जिक्र भी किया, ठीक है, webpack लगा हुआ होता है। अच्छा, webpack क्या करता है, पहले तो इस JavaScript को उठाता है, सही है, इस कंपोनेंट को उठाता है, इस JSX को उठाता है, इसको कन्वर्ट करता है JavaScript में। अच्छा, इसको JavaScript में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, पब्लिक में जाके इस index.html के साथ इसको अटैच करता है, ठीक है, और अटैच करके ना एक नई फाइल क्रिएट करता है, जो फाइल हमें नहीं नज़र आ रही, एक नई फाइल क्रिएट करता है वो, जो कि हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही इस फोल्डर में कहीं, क्योंकि वो बैकएंड पे कहीं हो रही है, और उस फाइल को जो है ना यहाँ पे रन करके दिखा देता है। इधर ये एक फ़ाइल रन हो रही है जो कि मुझे फोल्डर में कभी नहीं दिखेगी, ये फाइल ना अगर राइट क्लिक करके मैं इसको इंस्पेक्ट नहीं, इसका व्यू सोर्स करूँ अगर मैं, तो ये वाली जो फाइल है ना, ये कौन सी फाइल है, ये एक index.html वाली फ़ाइल है, सही है, इस तरह की वाली एक फ़ाइल है HTML की जो कि चल रही है यहाँ पे। वेल, तो ये हमने समझ लिया कि जी डेवलपमेंट के बाद जब हम चलाते हैं इसको, तो असल में तो ये HTML की फ़ाइल ही एक दिखानी होती है इसने, तो वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अब मैंने क्या करना है, इसको करना है डिप्लॉय क्लाउड के ऊपर भेजना है, इस पूरे की पूरी रिएक्ट की ऐप को, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें कमांड चलानी होगी, दैट इज़ कॉल्ड npm run build। npm run build चलाते ही यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा build, ठीक है, ये build का फोल्डर इससे पहले मौजूद नहीं था। अच्छा, ये जी मेरा build चल के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं build के फोल्डर को खोलता हूँ, तो build का जो फोल्डर है मेरा वो क्या है, एक HTML की ऐप है, एक प्लेन HTML CSS JavaScript की ऐप है, जो कि क्या हुई है, जनरेट हुई है, मेरी React की ऐप को कन्वर्ट कर दिया है इसने किसमें, एक प्लेन HTML CSS JavaScript की ऐप में। index.html खोलता हूँ तो इसके अंदर HTML लिखी हुई होती है जो कि मिनीफाइड वर्जन है इसका, ठीक है। अगर मैं JavaScript खोलता हूँ तो JavaScript क्या है इसका, मिनीफाइड वर्जन है, मिनीफाइड और अगलीफाइड वर्जन मुझे मिला है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मेरा फोल्डर है ना बिल्ड का फोल्डर, ये वो फोल्डर है जो कि अपने आप में एक मुकम्मल पैकेज है, एक मुकम्मल वेबसाइट है। इस बिल्ड के फोल्डर को मैं GitHub पेजेस में भेजूंगा और होस्टिंग करूंगा, होस्ट हो जाएगा। इस बिल्ड के फोल्डर को मैं फायरबेस होस्टिंग पे भेजूंगा, होस्ट करूंगा, होस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्ड के फोल्डर को किसी लाइब्रेरी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ चाहिए थी इस ऐप को रन करने के लिए वो इस बिल्ड के फोल्डर के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं फायरबेस होस्टिंग के ऊपर इसको होस्ट करूँगा, और मैं लास्ट पहले पब्लिक का फोल्डर बताता था उसको कि जी मेरा ये index.html का नाम बताता था, उसकी जगह अब मैं पब्लिक का फोल्डर बताऊँगा और ये होस्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है सब लोगों को ये। और बाकी के प्रोजेक्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अब ये बिल्ड का फोल्डर जो मैंने बना दिया ना, ये सेल्फ सस्टेन्ड है, इसको बाकी के प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है अब। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैंने कहा फायरबेस इनिट, ओके, फायरबेस इनिट को सूडो करके चलाना होगा,
ठीक है, और मैंने कहा कि जी होस्टिंग, होस्टिंग पे एंटर किया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर देता हूँ, सही है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जी ना 6 से 30 तक के कैरेक्टर का आप नाम बता दो। मैंने कहा कि यार SMIT रिएक्ट डिलीट दिस एंटर, वुड यू लाइक टू कॉल योर प्रोजेक्ट। मैंने कहा यही रखो कॉल, क्या बस यही रखो और क्या, ठीक है प्रोजेक्ट बना रहा है अभी, एडिंग फायरबेस रिसोर्स, पता नहीं और क्या बोल रहा है ये। अच्छा जी, बहुत लंबा टाइम ले रहा है बनाने में इसको ये। जी नहीं, CSS में कोई लिमिट नहीं है। CSS की फाइल एक तो अलग बनेगी, ये सबसे पहली तो लिमिटेशन ये है कि CSS की फाइल हर दफ़ा आपने अलग ही बनानी है, और CSS की फाइल में कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे आप नॉर्मल CSS बनाते थे वैसा ही बनाएंगे। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है कि जी पब्लिक का फोल्डर मुझे आप बताएं कि कौन सा है। पब्लिक के फोल्डर में मैं बोलूँगा बिल्ड का फोल्डर है, बिल्ड और एंटर। तो अब ये बिल्ड के फोल्डर को देखेगा, बाकी पूरे प्रोजेक्ट को ये छोड़ देगा। अब ये कह रहा है कि यार सिंगल पेज ऐप के तौर पे कॉन्फ़िगर करना है या नहीं, तो मैंने कहा कि जी यस, सिंगल पेज के तौर पे ही कॉन्फ़िगर करना है। गिटहब के सेटअप करना है, मैंने कहा नो, गिटहब सेटअप नहीं करना है मुझे, गिटहब एक्शन। कह रहा है index.html मौजूद है, क्या मैं उसको ओवरराइड कर दूं? मैंने कहा नो, ओवरराइड नहीं करो, जो है उसको रहने दो। ठीक हो गया, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। मैंने कहा फायरबेस डिप्लॉय एंटर, तो इससे क्या होगा? अच्छा, सूडो करके उसको भी चलाना होगा मुझे, सूडो फायरबेस डिप्लॉय। तो इससे क्या होगा, ये बिल्ड के फोल्डर को उठा के रिएक्ट फायरबेस के सर्वर से भेजेगा जहाँ पे ये डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है जी, होस्टिंग URL इसने मुझे दे दिया, मैं कंट्रोल क्लिक करके इस होस्टिंग के URL को ओपन करता हूँ, और मुझे यहाँ पे ये वाली वेबसाइट चलती हुई नज़र आ गई है जो कि मैंने अभी भी बनाई थी। ठीक है, इसमें आप देखें वो इमेज भी आ रही है, वो सारा का सारा टेक्स्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, और ये एक लाइव URL है। इसको दुनिया में कहीं भी कोई खोलेगा तो ये URL चलना चाहिए। वो अलग बात है कि मैं इस ऐप को डिलीट कर दूंगा क्लास के बाद, तो ये बाद में रिकॉर्डिंग देखते हुए ये अगर आप खोलेंगे तो उस वक्त आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? इसको फायरबेस पे होस्ट करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इंशाल्लाह जो आप असाइनमेंट जो आपको मैंने दिया है ना CV बनाने वाला, कि आपने जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट के ऊपर एक कंप्लीट CV बना के लानी है। फ्लैक्स बॉक्स इसमें बिल्कुल उसी तरह चलेगा क्योंकि वो CSS है, CSS सारी सेम है इसमें। ठीक है, बाकी जो जितने भी आपके HTML के टैग्स थे, ठीक है, वो तमाम के तमाम यहाँ पे कंपोनेंट्स की सूरत में, बिल्ट इन कंपोनेंट्स की सूरत में मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, वही जो बनी हुई आपकी CV थी उसमें से एक एक करके टैग उठाते जाएंगे आप, जस्ट उसको फिक्स करेंगे कि जी जो क्लास नेम वगैरह और ये वाले सारी चीज़ें, और आपका CV जो है ना बन के वो तैयार हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि उसमें फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करें और उसमें CSS वगैरह अच्छे से लगाएं, ताकि CSS के मसाइल और फ्लैक्स बॉक्स लगाते हुए अगर कोई मसाइल आने हुए तो वो आ जाएं आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं आप, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो अगला हम टारगेट करने जा रहे हैं जो कि डायनेमिक कंपोनेंट्स होगा, तो उसमें ज़रा सा फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है जी, तो किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम ख़त्म करते हैं। जी npm run build Firebase init और Firebase deploy, सही है। Firebase init करते हुए मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। लास्ट हम ये करते थे कि डैशबोर्ड पे जाके प्रोजेक्ट अलग बनाते थे और उसकी ID लाके कनेक्ट मारते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने CLI में न्यू प्रोजेक्ट को ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे Firebase के डैशबोर्ड पे जाना नहीं पड़ा। हाँ, ये गूगल क्लाउड पे नहीं होगा, ये स्टेटिक फाइल है, ये स्टेटिक होस्टिंग है, ये Netlify पे ऐसे। देखो अभी जो मैंने बताया है ना, तो मैंने बताया है स्टेटिक सर्विसेज पे होस्ट करना, स्टेटिक होस्टिंग सर्विसेज जो है उस पे होस्ट करना बताया है। अल्टीमेटली इसको हम होस्ट करेंगे गूगल क्लाउड पे, लेकिन गूगल क्लाउड पे होस्ट जब इसको करेंगे हम, तो एक्सप्रेस के सर्वर के साथ करेंगे। भाई गूगल क्लाउड पे एक्सप्रेस का सर्वर होस्ट होगा, और एक्सप्रेस के सर्वर पे हम बनाते थे ना पब्लिक का फोल्डर, और वहाँ से HTML उठ के आती थी, तो उस पब्लिक के फोल्डर की जगह अब इसका बिल्ड का फोल्डर वहाँ पे हुआ करेगा। तो अल्टीमेटली तो होगी ये गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय, लेकिन अभी नहीं, अभी उसमें टाइम है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। हाँ, अच्छा, जब जब इसमें ऐप में चेंजेस करोगे, जब जब npm run build दोबारा चलाना पड़ेगा।
हाँ जब जब एन पी एम रन, जब जब इसमें चेंजेस होंगी कोई, जैसे मैंने यहाँ पे आइटम आगे लिख दिया 5, तो अब जब तक मैं एन पी एम रन बिल्ड नहीं चलाऊँगा ना, बिल्ड के फोल्डर में इसका ये वाली चेंजेस नहीं जाएंगी, लिहाजा होगा ये कि मैं दोबारा दोबारा डिप्लॉय करूँ ना तो वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो जब भी मैंने इसको फायरबेस पर डिप्लॉय करना है, मैं पहले एन पी एम रन बिल्ड चलाऊँगा ताकि लेटेस्ट जो मैंने चेंजेस किए हैं वो बिल्ड के फोल्डर में रिफ्लेक्ट हो जाए, और उसके बाद फिर जो है मैं डिप्लॉय। अच्छा, बिल्ड का फोल्डर अगर मैं डिलीट भी कर दूँ तो इट डजेंट मैटर, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, बिल्ड का फोल्डर डिलीट कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। मैं जब भी एन पी एम रन बनाऊँगा तो वो दोबारा से नई बिल्ड का फोल्डर नए सिरे से बना देगा वो। सही है जी, और कोई सवाल किसी का? चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और सीवी के असाइनमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।